अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तैयार रखो अपनी ताकत, अपनी पूरी कुव्वत और ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उनके दिलों पर जो दुश्मन हैं अल्लाह के और तुम्हारे दुश्मन और इनके अलावा कुछ और जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे इसका सिला तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज ना इंसाफी नहीं की जाएगी। मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ उठाता हूं कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजर है। और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा। और ये कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ सरंजाम दूंगा। और ये कि मैं बर्री बहरी या फजाई रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा। और यह कि मैं अपने मुतय्यन अफसरान के कानून के मुताबिक दिए गए तमाम अहकामात की तामील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो। आमीन।
خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار تقریب میں یہ اعزازات تقسیم کیے جائیں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی اعزازی چھڑی، یہ اعزاز مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے بہترین کارکردگی دکھانے والے ریکروٹ کو عطا کیا جائے گا۔ کمانڈر سدرن کمانڈ کا طلائی تمغہ، یہ اعزاز مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے دوئم آنے والے ریکروٹ کو عطا کیا جائے گا۔ اب آج کی تقریب کے مہمان خصوصی بہترین کارکردگی دکھانے والے ریکروٹ کو اعزازات عطا کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی اعزازی چھڑی حاصل کرنے والے ریکروٹ احسان علی، کمانڈر سدرن کمانڈ کا طلائی تمغہ حاصل کرنے والے ریکروٹ لیاقت علی،